एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन बोल रहा है द फ्लोइंग्स रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो इन ईच केस डिसाइड विदाउट सॉरी वेदर दे आर रेशनल्स और नॉट इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू वट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। ठीक है तो ख्याल करना देखो 1, 2, 3 क्वेश्चन दिया इसमें। ठीक है तो ख्याल करना यदि कोई नंबर पॉइंट में है तो वो तुम्हारा डेसिमल फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। अब कोई नंबर रिपीट करे या इन्फिनाइट तक हो रिपीटेशन करे या इन्फिनाइट तक हो या उस पर बार लगा हो तो उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग्स। ठीक है तो ध्यान रखेंगे। ठीक है देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये लिखा यहाँ पर है ना देखो सॉरी सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है यह है ना फर्स्ट क्वेश्चन है तो देखो ये 43.12345678 9 बस इतना ही तक है इसके बाद कोई नंबर रिपीटेशन नहीं है तो ये क्या कहलाएगा इज टर्मिनेटिंग। ठीक है तो लिख सकते हो सो इट्स रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर तो ये क्या होगा रेशनल नंबर होगा सिंपल सी बात है जो पी बाई क्यू के रूप में हो रेशनल होता है पॉइंट में कोई भी नंबर हो वो रेशनल होता है लेकिन इन्फिनाइट तक नहीं होना चाहिए या उस पर बार नहीं लगना चाहिए। सेकेंड नंबर देखो 0.1120 1200 1200 1200 0000 ये देखो इन्फिनाइट तक जा रहा है ना नंबर तो इसलिए क्या कहलाएगा ये यही नंबर लिख कर लिखेंगे इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है अब देखो 4.312345678 9 ये देखो इस पर बार लगा हुआ है इसलिए क्या कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है तो सभी बच्चे हमारे YouTube चैनल J2 सर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है